मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया हुआ है, जैसे कि मतलब काफ़ी कम लोगों को पता है, वो सोचते हैं कि मैंने सिर्फ प्लस टू किया उसके बाद मैं इस लाइन में आ गई हूँ। तो मेरा प्लस टू के बाद यही था कि मैं इस लाइन में आऊँ, पर मेरे घर वाले थे उन्होंने इतना बोला कि पहले तो स्टडी कर ले, उसके बाद जो है देखो मौका मिलेगा तो इसमें जाएंगे। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया, मेरी मम्मा जो है सुबह खाना मतलब खाना बनाती हैं उठ के, तो मेरे को यही बोलती हैं कि उन्होंने कभी भी मेरे को नहीं रोका, ना मेरे पापा ने मेरे को रोका, ना दादी ने रोका, ना किसी ने नहीं रोका मेरे को। जो मेरा सपना है वो मेरा पूरा हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं सबसे बड़ा, और लोगों की बातों का मैं बिल्कुल भी गौर नहीं करती। अगर लोग बोल भी देते होंगे ऐसा कि आपकी लड़की ट्रक चला रही है अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं मम्मी को गौर करने की लड़कियों के लिए ड्राइविंग अच्छी नहीं है और कोई और जॉब देखो, तो मैं जॉब भी की उसके बाद मैं अपना सपना भी पूरा कर रही हूँ। अगर समाज इस समाज में सब कुछ सही रहा तो हमें बाहर जाने की लोड़ नहीं है, क्योंकि मतलब लड़कियाँ ये सोचती हैं कि यहाँ पे हम सेफ नहीं हैं, बाहर जाके ट्रक चलाएंगी। अगर यहाँ पे समाज सेफ हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा ट्रैवल में समाज, तो लड़कियाँ भी इस लाइन में आ जाएंगी। ट्रकों पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़की ट्रक चला रही हो तो लड़के भी और आदमी जो भी समाज के लोग हैं सारे देखने लगते हैं कि लड़की ट्रक चला रही है, बट अगर हम अपनी माँ बहन को भी मतलब ट्रैवल महकमा में लेके आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि लोगों की सोच है कि लड़की ट्रक नहीं चला सकती। और दिक्कत तो सिर्फ यही है कि रोड बिल्कुल खराब है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अगर आपने ड्राइविंग लाइन में सपना सोचा हुआ है तो कोई डरने की बात नहीं है, हमारा जो ये चला हुआ है हिमाचल मोटर चालक संघ, इसमें जो सेफ्टी हो जाएगी लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा, लड़कों को भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के ड्राइवरों का एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें उनको प्रदेश स्तर पर ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बड़ा इशू है, और प्रयास है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो अनऑर्गेनाइज ड्राइवर्स हैं वो किसी भी क्षेत्र में हैं, प्राइवेट इजारे में हैं, दूसरे किसी क्षेत्र के अंदर हैं, फैक्ट्रियों में हैं, तो उनके साथ मैं समझता हूं कि आज तक न्याय नहीं हुआ है। कई बार ड्राइवर यूनियनों का गठन हुआ प्रदेश में, मगर उनके डिमांड्स, उनके जो एक दिक्कत है उनके लिए, वो उसको आज तक किसी ने समझा नहीं है, उस पीड़ा को नहीं समझा है, तो उसके लिए आज हमने ये निर्णय किया है, और हमने जिला स्तर पे बैठ के भी हमारे लोगों ने की है, बिलासपुर में, सोलन में, आपके बागा में, तो तमाम जगहों पे, तो इस आज हम चाहते हैं कि इस संगठन का प्रदेश स्तर पे एक इसको रूप दिया जाए, और ताकि प्रदेश में जो ड्राइवरों के साथ जो प्राइवेट इजारों के अंदर, सीमेंट कारखानों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लाइट किया जा रहा है और उनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तीन तीन दिन तक उनको गाड़ियों में सीमेंट लगा हुआ रहता है, और चाहे मौसम बैड वेदर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और उसमें वो ठिठुरते हैं, खाना टाइम पर नहीं मिलता है, भोजनालय रात को बंद हो जाते हैं, कहीं शौचालय और ठहरने का उनका प्रबंध नहीं है, ये सारी दिक्कतें हैं, उसको लेकर के आज ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।